चोरा मेरे मज पम डाण गर मणि सिखा पदम समाधियामी चोरा मेरे मज पम डाण गर मणि सिखा वी द पीपल हम भारत के लोग। दरअसल पिछले 2-3 साल से भारत के कुछ ऐसे लोग जो ये जानते हैं, मानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे, हमारा बचना या हमें अपनी संपत्ति को बचाना या अपने स्टेटस को बचाना या जो हमने पूंजी अब तक कमाई है, चाहे वो कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री है या कोई काम का हुनर है या कोई खेती बाड़ी घर है या जैसा भी है, उसको बचा पाना आज के माहौल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, रादर देन असंभव है। यानी असंभव है जब तक हम सारे एक साथ नहीं आएंगे। सारे के सारे बाबा साहब के अनुयायी जितने भी हैं, उनको हर हाल में लाजमी एक साथ आना ही होगा। इसलिए बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो वी द पीपल, कोई संगठन नहीं है वी द पीपल या हम भारत के लोग, बस लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस बात के लिए कि सभी संगठनों को एक साथ आना है। बहुत सारे संगठनों के जो नेता हैं, जो उसको चलाने वाले हैं, उनके बड़े सारे सवाल जवाब होते हैं, उन्होंने अपने आप ही अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने सवालों के जवाब दिए हुए हैं। हकीकत ये है कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम उस कामयाबी में नहीं आ सकते जो भारत में आनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से आज के माहौल में बचाने के लिए आनी चाहिए। इसलिए जो नेता अगर ये कहता है कि हम साथ नहीं आना चाहते, वो नेता होने के लायक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संगठित रहो, इसका मतलब है कि सभी को संगठित रहना है। कुछ चतुर चालाक लोगों ने, मेहनती लोगों ने, अच्छे लोगों ने, खराब लोगों ने इस वाक्य को पकड़ा। जो खराब थे उन्होंने भी संगठन बनाए और जो अच्छे थे उन्होंने भी संगठन बनाए, जो चतुर चालाक थे उन्होंने भी संगठन बनाए। क्या कहकर बनाए? बाबा साहब ने कहा है संगठित रहना है, अच्छी बात है, सबने बात मानी और उनकी बात मानकर संगठित हुए। मगर वो जो चालाक लोग थे, खराब लोग थे, अच्छे लोग थे, चतुर लोग थे, समझदार लोग थे, उनको खुद संगठित होने का कोई फार्मूला, कोई विचार उनके मन में नहीं आया। यानी कि उन्होंने ये तो कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि संगठित होना है, तो हम लोगों को कहा संगठित होना है, उनको खुद को भी तो संगठित होना है। ये वो बाबा साहब के अच्छे सी बात को या मूल मंत्र को समझ नहीं पाए, या अगर वो समझ भी पाए तो शायद इसलिए कि उनकी प्रधानी या उनका जो ऊपर का तबका है या जो उनकी कुछ इच्छा है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने आपस में मिलना जुलने का सोचा नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे भारत में बाबा साहब के अनुयायियों के जितने संगठन हैं, उनके चलाने वाले जितने भी लीडरान हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी संगठन को चलाने वाले अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं या जो भी पोस्ट उन्होंने रखी हुई है या प्रधान हैं, उनको कभी आपने एक साथ चाय पीते हुए नहीं देखा होगा, उनका कोई फोटो भी नहीं होगा। ये एक बड़े ही कमाल की बात है कि जो नेता हमको इकट्ठा करने के लिए बार बार बाबा साहब का डर दिखाते हैं, बाबा साहब की एजुकेशन दिखाते हैं और दुनिया भर की धौंस दिखाते हैं, वो खुद इकट्ठे नहीं होते। और जब तक वो खुद इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक वो और भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। यानी कि जो उनके संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनको वो किसी भी हालत में आपस में इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसलिए अगर कोई नेता ऐसा है जो इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहा है, तो उसको छोड़ना ही भला है और कार्यकर्ताओं को आपस में मिल जाना चाहिए। जो नेता आपस में मिल सकते हैं उनको तुरंत मिल जाना चाहिए। ये एक आपातकाल है, एक इमरजेंसी है। आपातकाल इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि बाबा साहब जो बड़ी मेहनत से लेके आए थे और जिसका फल सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा चखा और जिन्होंने आँख खोल के देखा कि हम भी भारत के अंदर भारत को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनके बच्चे पढ़ गए लिख गए, उनके लिए आगे मौके और हों, उनके लिए आगे सुख सुविधा संपन्न देश को बढ़ाने वाली चीज़ें और भी हों, उसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग आपस में बहुत तेज़ी से मिलें। इसलिए जो नेता अच्छे हैं वो तुरंत मिल जाएंगे और जो खराब नेता हैं, जो नेता होने के लायक ही नहीं है,
वो 50 बहाने करेंगे, 50 बातें सुनाएंगे, 50 बातें कहेंगे, मगर आप उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना कि जो वो हमें बताते हैं कि झाड़ू की एक तिल्ली घर को साफ नहीं कर सकती, कूड़े को साफ नहीं कर सकती, मगर जब झाड़ू की बहुत सारी तिल्ली इकट्ठी हो जाती हैं तो वो अच्छे से अच्छे कूड़े को भी साफ कर देती हैं। तो क्या ये इकट्ठे होने की परंपरा हमारे लिए है उनको समझ में नहीं आती? जैसे वो हमें बताते हैं बार बार कि अगर एक लकड़ी अकेली होगी तो टूट जाएगी और अगर गट्ठा पूरा होगा तो नहीं टूटेगा, तो क्या ये सिर्फ हमें बताने के लिए हैं, उनको नहीं है अप्लाई करने के लिए? इसलिए आप इस बात को ध्यान से देखें। और जो भी साथी विदा पीपल में लगे हुए हैं उनका ना कोई पोस्ट है, ना उनका कोई ऐसा मंतव्य है कि वो कोई संगठन बना रहे हैं, सब इस बात में लगे हुए हैं, अपने अपने संगठनों को बोल रहे हैं, या जो संगठन लोग हैं उनको बोल रहे हैं, या जो लीडर हैं उनको बोल रहे हैं, या जो कार्यकर्ता हैं, या जो आम नागरिक हैं हमारे जैसे, उनको बार बार कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए, तुरंत इकट्ठे हो जाइए, अब समय नहीं है, सब कुछ जा चुका है जो बाबा साहब लेके आए थे। इसलिए आप इस मुहिम में शामिल होइए और जहाँ भी हैं जैसे भी हैं लोगों को कहिए कि सभी इकट्ठे होकर हमारे साथ आइए। अगर आप इकट्ठे होकर साथ नहीं आ सकते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। बेशक आप 50 बातें 50 जवाब देते दे रहें, मगर इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एकता में शक्ति है और आपको भी एकता में आना पड़ेगा, आपको भी संगठित होना पड़ेगा। धन्यवाद।